हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सेमिया उपमा। तो इसके लिए मैंने यहाँ रोस्टेड सेमिया लिया है। मैंने यहाँ एक छोटा साइज का गाजर, एक मीडियम साइज का आलू, कुछ करी पत्ता लिया है और यहाँ कुछ कैप्सिकम, एक छोटा साइज का प्याज, दो हरी मिर्च और अदरक लिया है थोड़ा सा। सबसे पहले हम पैन को गरम करेंगे। इसमें हम डालेंगे एक टेबलस्पून ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। अब हम इसमें करी पत्ता को डाल देंगे। इससे हमारा सेमिया उपमा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत ही अच्छा आएगा। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें अदरक को डाल देंगे, हरी मिर्च को भी डाल देंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज को भी डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा और तेल ऐड करेंगे ताकि हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए, हमारा जो प्याज है ये गोल्डन ब्राउन कलर जैसा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम को। अब हम इसमें गाजर को और आलू को भी डाल देंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम में 3 मिनट तक इस तरह पकाएंगे। स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसको हम हाई फ्लेम में 5 मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखिए, हमारा जो वेजिटेबल्स है ये हमारा 50% कुक हो गया है। अब हम इसमें सेमिया को डाल देंगे। मैंने यहाँ 2 कप सेमिया लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा कर। मैंने यहाँ 1.5 ग्लास वाटर यूज किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे। याद रहे, हमने नमक पहले भी डाला था। इसको हम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। ये देखिए, आफ्टर 10 मिनट के बाद ये हमारा सेमिया उपमा एकदम बन के तैयार है। तो ये फटाफट बन के तैयार हो जाता है, कम तेल में भी बन के तैयार हो जाता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही इजी रेसिपी है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कीजिए।